हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद भेल पर वीडियो लेकर मैं आ गया हूं और डेफिनेटली पिछले कुछ 5-6 दिनों में काउंटर ने शानदार मोमेंटम किया है। 95 रुपये का हाई, जी हां, 95 रुपये का हाई ये शेयर लगाता हुआ देखने को मिला है और अभी करंटली 91.20 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। क्या रेजिस्टेंस बचे हैं, क्या सपोर्ट बचे हैं एंड क्या टारगेट्स हो सकते हैं, सब पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, लास्ट अगर अपन देखें 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में ऑलमोस्ट 4% का फॉल इस काउंटर में आ गया है। पहले डेफिनेटली वन वे स्टॉक ने तेजी करी, नो डाउट, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आया, लेकिन अभी डेफिनेटली स्टॉक ठंडा पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर अपन इसकी वजह भी देखें तो वजह दोस्तों कहीं ना कहीं एफएनओ बैंड बनती हुई देखने को मिल रही है। जब जब ये काउंटर दोस्तों एफएनओ बैंड के अंदर आता है तब तब दोस्तों इसमें गिरावट होती हुई देखने को मिलती है और जिस दिन भी ये काउंटर एफएनओ बैंड से बाहर निकलता है उस दिन तेजी होती हुई देखने को मिलती है। तो अब डेफिनेटली देखना होगा एफएनओ बैंड से काउंटर कब बाहर निकलता हुआ देखने को मिलता है। वहीं अगर अपन दूसरी वजह जाने गिरावट की तो दूसरी गिरावट की वजह है दोस्तों ये निफ्टी पीएससी का गिरना, क्योंकि दोस्तों इसी इंडेक्स के अंदर ये काउंटर ट्रेड करता है और इस इंडेक्स का टॉप गेनर आज सेल था। एंड अगर अपन गिरावट की बात करें तो एनएचपीसी में गिरावट थी, भेल में गिरावट थी, ये दोनों काउंटर्स में दोस्तों आज गिरावट होती हुई देखने को मिली, बट इतनी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं थी। लोअर लेवल से आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। 90.20 का इंट्राडे का लो एंड 91.20 पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग डेफिनेटली लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी आई है। अगर ब्लॉक डील की बात करें तो 3 ब्लॉक डील आज होती हुई देखने को मिली और एफएनओ डेटा बताता है कि स्टॉक में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई देखने को मिले। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी लॉन्ग्स किए थे आज वो लॉन्ग्स अपने काटते हुए देखने को मिले। अगर अपन बात करें स्टॉक 50 वीक हाई की तो अभी करेंटली 4.5% ये काउंटर नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 50 वीक हाई से और होप सो अगर इस हफ्ते में ये एफएनओ बैंड से बाहर आ गया तो डेफिनेटली ये 4.5% की जो गिरावट है ये गिरावट को स्टॉक तेजी में बदलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें स्टॉक के रेजिस्टेंस की तो मेजरली दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है वो अब केवल और केवल 95 का है। अभी आई थिंक सो हो कि कल के दिन 93 का लेवल शेयर टच कर दे, बट जब तक शेयर दोस्तों 95 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं आएगा। और एक बार अगर 95 रुपीज के ऊपर शेयर चले गया तो उसके बाद इमीडिएट लेवल जो बनेंगे वो लगभग 100 रुपए तक के बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस का आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। एंड अगर अपन दोस्तों स्टॉक के 50 वीक हाई की बात करें तो 95.30 का स्टॉक का 50 वीक हाई है एंड इंट्राडे रेंज अगर आप देखेंगे तो 92-15 का इंट्राडे रेंज है एंड 90-10 का इंट्राडे लो है। तो ये दोनों लेवल्स भी आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ये लेवल्स तो है ही, बट इन लेवल्स को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर 92-15 के लेवल्स के पार ये शेयर इंट्राडे में निकला कल तो एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आपको इस काउंटर में बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। अगर 95.30 का लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस स्टॉक तोड़ देगा तो डेफिनेटली 100 रुपये तक के लेवल बनते हुए देखने को मिलेंगे। एंड चलिए दोस्तों आप चलते स्टॉक के इंट्राडे के चार्ट्स पर और कल के लॉन्ग टर्म के टारगेट्स पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्टॉक के चार्ट्स पर आ गया हूँ। करेंटली अगर अपन आरएसआई देखेंगे तो वो करेंटली 263 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मेजरली दोस्तों आप देख सकते हैं 91-92 का लेवल था जहाँ से स्टॉक ने गिरावट करी, लगभग 68 के लो तक गया एंड अभी स्टॉक वापस से उसी लेवल पर आ गया। तो डेफिनेटली अभी काफ़ी अच्छे जोन्स पर एक काउंटर खड़ा है। आई थिंक सो अब ये जो लेवल है 91 रुपीज़ का ये फ्यूचर में आपको सपोर्ट की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा। बस एक बार दोस्तों ये स्टॉक 100 रुपीज़ का लेवल छू ले तो डेफिनेटली दोस्तों उसके बाद जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो बहुत अच्छी बनती हुई देखने को मिलेगी। एंड अगर अपन बात करें अब कल के टारगेट्स की तो कल मेरी यही सलाह है दोस्तों कि वेट करेंगे थोड़ा। अगर 92 रुपीज़ के आसपास ये शेयर जाएगा तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको इंट्राडे में हो सकता है 94-95 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू दिस वीडियो।